बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ 4.8 पार्ट सी, यानी कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने ये देखा था कि तमाम नेट फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे वो जीरो हैं। अब हमने सेकंड कंडीशन में ये देखना है। सिंपली आपको मैं ये बता देती हूँ कि ओवरऑल इसमें होगा क्या। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर वो भी जीरो होगी। जैसे ऑल द अदर फोर्सेज आर जीरो, वैसे ही टॉर्क जो है वो भी जीरो होगी। तो फिर बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेगी। अब इसमें इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि फॉर द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डजंट इंश्योर देयर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दिस इज क्लियर हाउ फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्स एफ वन एंड एफ। अच्छा जी, अब इसमें हम लोग जो फिगर 4.30 का पार्ट ए है उसमें उन्होंने एक फिगर बताई हुई है, एक वुडन ब्लॉक बताया हुआ है जिसको दो बंदे खींच रहे हैं, लेकिन एक ही पॉइंट से खींच रहे हैं। तो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक बंदा अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसके ऊपर जो दोनों फोर्सेज हैं, यानी एक्शन रिएक्शन है और पुलिंग फोर्स जो एक्ट कर रही है, वो दोनों की जीरो है। तो वो बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो हैंस देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ शिफ्ट द सिचुएशन, यानी कि लोकेशन। अब हम उस लोकेशन को शिफ्ट कर देते हैं। अब ऐसा करते हैं कि वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसके एक तरफ के कोने के नीचे से एक बंदा उसको खींच रहा है और दूसरी तरफ वाले कोने के ऊपर से एक बंदा उसको खींच रहा है। यानी 4.30 बी फिगर को देखें आप लोग, ठीक है। तो दोनों की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब जो बंदा उसको उस कंडीशन में खींचेगा तो उसमें हमारे पास एक सिचुएशन अच्छी है कि बॉडी जो है वो टर्न हो सकती है, ठीक है। अब अगर आप अपने घर में अप्लाई करके देखिएगा इस बात को, आप कोई गता लें, उसको एक कोने के नीचे से वहाँ पे सुराख करके एक धागा बांधें और एक तरफ से उसको ऊपर ऊपर वाले कोने से जो है वो धागा बांध के देखें और फिर उसको खींचे, तो वो बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो रोटेट हो जाएगी। जैसे जो हम स्पिनर बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो वो जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उनके ढक्कन में जो है वो सुराख करके जो बनाते हैं, तो वो इसी तरीके से बनाते हैं। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो बॉडी जो है वो उसको वो रोटेट कर सकती है, वो टर्न कर सकती है। तो अब यहाँ से देखते हैं पेज नंबर 1899 के स्टार्ट में। नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द बॉडी फिगर एज शो इन द फिगर 4.30 बी। अच्छा जी, अब इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा, द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बॉडी अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं है। ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाइड। हालांकि बॉडी रेस्ट में है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज़ बिकॉज द बॉडी हैज द टेंडेंसी टू रोटेट। अब इस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि बॉडी टर्न कर सकती है, बॉडी रोटेट कर सकती है। दिस सिचुएशन डिमांड्स अनदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और इस सिचुएशन में बॉडी को इक्विलिब्रियम आने के लिए एक और कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ओके, अदर देन द फर्स्ट कंडीशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन के अलावा वो जो कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी अकॉर्डिंग टू दिस। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? अ बॉडी सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमने सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये बात प्रूफ करनी है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट टॉर्क है, यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है कि बॉडी को कुछ चीज़ टर्न कर रही है, तो उसका भी जो इफेक्ट है वो जीरो हो। तो सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा जो है वो मैथमेटिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग जो सेकंड कंडीशन को लिखेंगे तो उसमें हमने सिर्फ इतना लिखना है कि यहाँ से जो जहाँ से स्टेटमेंट इसकी स्टार्ट हो रही है, अ बॉडी सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन, यहाँ से इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। और उसके बाद हम जो है वो इसकी यहाँ से पेज नंबर 99 से जो है वो शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्स एज शोन इन द फिगर 4.30 बी, यहाँ से लेके सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम तक एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, तो हमारा ये टॉपिक सेकंड कंडीशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो आपको मैं मेंशन करें, मैं अगेन आपको ये समझा दूँगी।